الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين पाकिस्तान का तारीख साज पाकिस्तान बचाओ मार्च जो आज 22 मई को शहर कराची रोशनियों का शहर और पाकिस्तान की माशी हक का दिल और पाकिस्तान की मईशत को सबसे बड़ा सहारा देने वाला शहर कराची जिससे आगाज हो रहा है। मुल्क की सूरत हाल वो नजरियाती बुनियादों पर हो या जोग्राफियाई बुनियादों पर हो, इस वक्त पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का खदशात का शिकार है और इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी बैत वक्त साजिशों का सामना है, जिसके खिलाफ तहरीक लबैक पाकिस्तान ने उन तमाम साजिशों का किला कमा करने के लिए वो अगरचे आलिया होने वाली गुस्ताखी रसूल गुस्ताखी सहाबा आले बैत और इस्लाम की बुनियादों के खिलाफ जो मगरब के एजेंडे के ऊपर कंपेन चलाई गई उसके खिलाफ और पाकिस्तान के अंदर होने वाले सियासी अदम इस्तेकाम के खिलाफ और पाकिस्तान को 76 साल से लूट कर खाने वालों के खिलाफ और पाकिस्तान की आवाम के हक पर डाका डालने वालों के खिलाफ, पाकिस्तान की आवाम को भूखा मारने वालों के खिलाफ, सैलाब में डूबने वाले उन बेचारों की हमदर्दी के लिए और उस कौम के बच्चों के लिए जिनको तालीम सेहत और हर उस चीज़ से महरूम रखा गया है जिससे 76 साल से इस मुल्क की अशराफियाँ और लुटेरे मुस्तफीज हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों के खिलाफ और पाकिस्तान को हकीकी मानों में जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था उस मकसद के निफाज के लिए और उस मकसद की तकमील के लिए पाकिस्तान को उस मंजिल और उस राह पर गामजन करने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान का पाकिस्तान बचाओ मार्च। इस वक्त मुल्क के अंदर कोई अपनी सियासत बचा रहा है, कोई अपनी इज्जत बचा रहा है, कोई अपनी वजारत उज़्मा और अपने नाहली के केस ख़त्म करवा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक पाकिस्तान को यह एजाज़ हासिल है कि वो अपनी तमाम मफादात को बाला एतात रख कर इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान के नजरिए और पाकिस्तान की कौम की बात करने के लिए निकले हैं और पाकिस्तान की आवाम के दुखों का मदावा करने के लिए जिनको महंगाई बेरोजगारी बदमनी के पाटों के अंदर रख कर पीस दिया गया है, खुसूसन शहर कराची जिसके आवाम को इसकी इंतज़ामिया और इसकी हुकूमत और इसका सारा सिस्टम जो इनको गिनने से भी कासिर है, जो इनको गिनती में भी शामिल करने से कासिर है और जो मर्दम शुमारी के नाम पर इस कौम के साथ इस शहर के साथ खिलवाड़ किया गया है, शहर की एक जो है वो 3 करोड़ की आबादी को 1,80,00,000 तक बताया जा रहा है और 1,95,00,000 को नादरा पाकिस्तानी कराची के वासियों को शनाख्ती कार्ड का इजरा कर चुकी है, लेकिन इस सारी बदमाशी के पीछे वो सारी हुकूमतें जो मुसलसल 4 मरतबा पाकिस्तान के अंदर के और सिंध के अंदर खसूसन कराची के अंदर ये सारी हुकूमत कर रहे हैं लेकिन आवाम का कोई भी हाल पुरसान हाल नहीं, बल्कि गैस की जो है लाइनें उनके अंदर गटर का पानी मिक्स होकर मीटरों के अंदर आ रहा है और सुई सदरन वाले उन मीटरों को साफ करने की भी मजाज नहीं। कौम अपनी मदद आपके तहत गैस लेने की बजाय उन लाइनों से गंदा पानी वसूल कर रही है और पानी के जो सूरत हाल है इस वक्त पानी के अंदर शिगाब लगा कर जो टैंकर माफिया को नवाजा जा रहा है उसके पीछे हुकूमती माफिया भी शामिल है, इंतजामी माफिया भी शामिल है, KMC भी शामिल है, वो सारे इदारे जो इस वक्त कराची को नोच नोच कर खा रहे हैं, इंशाअल्लाह उनके खिलाफ अमली इकदाम के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान ने पाकिस्तान बचाओ मार्च का इकदाम किया है और उसके बाद
केएफए के नाम पर जो पिछले कई वर्षों से कई दिहाइयों से अहलियान कराची का खून चूसा गया है, अब उनकी दोबारा रिव्यू करने जा रहे हैं वो मेंबरशिप को और जो भी वो जो उसके साथ मुआहदा है लाइसेंस को रिन्यू करने के बजाय हमारा ये मुतालबा है कि केएफए को सिर्फ कराची का अकेला बिजली का शराकत दार ना बनाया जाए बल्कि मुख्तलिफ कंपनीज को ये लाइसेंस दिया जाए ताकि हर शहर बल्कि हर ज़िला के कराची के 7 ज़िले हैं, 7 ज़िलों को मुख्तलिफ कंपनियों को ये दिया जाए जिसकी बिजली के नर्ख सस्ते हों, जिसकी मैार अच्छा हो और जिसका जनाब तहसील बिजली की अच्छी हो, आइंदा आने वाले वक्त में उन कंपनियों को कराची के लिए बिजली की फरहमी का लाइसेंस दिया जाए। ये हमारा पहला मुतालबा है कराची के हवाले से। और दूसरा मुतालबा, वजीर आला सिंध ने जो इतना बड़ा झूठ बोला था कि हम 20 लाख घर जो सैलाब जदगान है उनको बना कर देंगे और उनकी मदावा करेंगे, उनकी सारे हाल उनके जनाब पूछेंगे, लेकिन एक घर भी अभी तक सिंध गवर्नमेंट की तरफ से सैलाब जदगान को बना कर नहीं दिया गया। और सिंध सैलाब के अंदर जो स्कूल और जो अस्पताल जद में आए उन सारे अस्पतालों के अंदर अभी तक ना कोई इलाज मुआवजे का निज़ाम दुरुस्त हो सका, ना उसका फर्नीचर और उसकी ज़रूरियात जो अस्पताल की ज़रूरियात है मेडिकल ज़रूरियात वो पूरी की जा सकी, बल्कि जो स्कूल मुनहदम हुए सैलाब की जद में आए उन स्कूलों के अंदर अभी तालीमी निज़ाम भी शुरू नहीं किया जा सका। इतनी बदकार और इतनी बेशरम और इतनी घटिया हुकूमत जो सिंध ने यहाँ की है वो उसकी मिसाल पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान के और इलाकों में भी सैलाब आया लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं निज़ाम बहाल हो चुका है, लेकिन सिंध हुकूमत ने अपनी बेशर्मी और ढिठाई की रिवायत को बरकरार रखा और सिंध की आवाम को बिल्कुल हर किस्म की सहूलत से मालूम रखा। हमारा ये मुतालबा है कि वज़ीर आला सिंध ने जो कौम के सामने झूठ बोला है अगर झूठ नहीं है तो उसको अमली इकदाम फैलाने के लिए फिलफौर उसके इकदाम किए जाएँ। और पाकिस्तान जो वफाकी हुकूमत है और क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की शराकत दार है और हमारा ये मुतालबा भी है जो पेट्रोलियम की मसनूआत को आसमान के साथ लगाया गया है और कौम के हाथ पर डाका डाला गया है, बिजली के बिलों की सूरत में, गैस के बिलों की सूरत में, गैस के टैक्सेस की सूरत में, बिजली के टैक्सेस की सूरत में, इन तमाम से कौम को निजात दिलवाई जाए और कौम को कोई रिलीफ फराहम किया जाए ताकि ये आने वाले वक्त में कोई सुख का सांस ले सके और आने वाले इलेक्शन के अंदर कोई जिंदा रह सके, वरना कौम का जो हाल हो चुका है बेरोजगारी बदमनी बदाखोरी और खास तौर पर कराची के अंदर जो डाकू राज इस गवर्नमेंट की नाक के नीचे दंदराता फिर रहा है उसको लगाम दी जाए। ये सारी हमारे मुतालबात हैं इंशाल्लाह और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह और नौबत नहीं आएगी कि तहरीक तब्बैक पाकिस्तान इससे अगला कदम उठाए, हमारे मुतालबात को पूरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।